अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने को हैं और इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई अन्य दावेदार भी अपनी दावेदारी इन चुनाव में ठोक रहे हैं। इन सबके बीच एक दावेदार अपनी बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिका में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार और भारतीय वंशी कारोबारी विवेक रामास्वामी की, जो दिग्गजों को लगातार पछाड़ते हुए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन विवेक रामास्वामी की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच विवेक रामास्वामी ने अमेरिका और चीन की साझेदारी कम करने और भारत के साथ आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करने की सलाह दी है। रामास्वामी ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चिली के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की जरूरत है, जिसका सीधा असर चीन पर होगा। इसके साथ ही रामास्वामी ने आगे यह भी बताया कि आज के समय में अमेरिका का बड़ा विरोधी कौन है। उन्होंने कहा कि लोग समझते होंगे कि अमेरिका को जिससे खतरा है वह USSR है, लेकिन लोग भूल चुके हैं कि उसका तो विभाजन साल 1990 में ही हो गया था। लेकिन हमें समझना ये होगा कि आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं बल्कि चीन से है। चीन को खतरा बता देने से ये बात पूरी नहीं हो जाती है, ये बात समझनी भी जरूरी है। तो अब यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे विवेक रामास्वामी ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बता दिया है। इसके लिए खुद रामास्वामी कहते हैं कि अगर हम रूस के साथ पश्चिमी आर्थिक संबंधों को फिर से खोल सकते हैं तो रूस के पास चीन के साथ साझेदारी करने की कोई वजह नहीं रह जाती है। वो कहते हैं कि चीन से निपटने के लिए रूस को ड्रैगन के साथ अपने सैन्य गठबंधन से बाहर निकलने की जरूरत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में यूक्रेन और रूस के बीच वर्तमान नियंत्रण रेखाओं को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वह सख्त प्रतिबद्धता बनाएंगे कि नाटो यूक्रेन को इसमें प्रवेश नहीं देगा और प्रतिबंध हटा देगा। हालांकि इसके बदले रूस को चीन के साथ अपने सैन्य गठबंधन से बाहर निकलना होगा। इससे पहले रामास्वामी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी की चीन और ताइवान पर निर्भरता खत्म कर सकते हैं। उन्होंने भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मजबूत संबंधों का आह्वान भी किया। वहीं एक इंटरव्यू में जब रामास्वामी से पूछा गया कि वह रूस और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को कैसे रोकेंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक ऐसा सौदा तैयार करूंगा जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन निश्चित रूप से हाँ कहेंगे, लेकिन ये सौदा वास्तव में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाएगा ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका जीत सके। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।